नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह और बहुत स्वागत बहुत अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी हर हर महादेव जरूर लिखें, मुझे अपनी खैरियत जरूर बताएं। नए व्यूवर्स जो भी चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर रोज लेकर आती हूँ जिंदगी को बदल देने वाले कुछ अद्भुत चमत्कारिक टोटके व उपाय, जिसे आजमा कर आप अपने जीवन में बेहद परिवर्तन ला सकते हैं। दोस्तों आज बात करने जा रही हूँ अखंड ज्योति की। अगर अखंड ज्योति की लॉ बुझ जाती है आपसे, हो जाती है आपसे छोटी सी गलती, तो क्या होगा? क्या भगवान हमसे नाराज हो जाएंगे, हमें श्राप दे देंगे, हमारे जीवन में कोई दुख तकलीफ आने लगेगी, हमारे घर में अब कुछ नुकसान शुरू हो जाएगा? इस तरह के बहुत हजारों प्रश्न हमारे दिमाग में चलने लगते हैं। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, दीदी हमसे ज्योति बुझ गई, हमें हमारी गलती से उसके दिए की लौ को ऊपर करने के क्रम में किसी तीली से या तेल डालने के क्रम में या दिया जलते जलते ऊपर थोड़ी सी कोयले थोड़ी सी काली हो जाती है, और कभी कभी हम उस काली को साफ करने के लिए जाते हैं और दिया हमसे बुझ जाता है, फिर क्या करें? अब क्या होगा? क्या हमारे घर में कोई मुसीबत आने शुरू हो जाएगी? तो आज इस तरह के सारे प्रश्नों के जवाब बहुत सटीक दूंगी, और यकीन मानिए इस वीडियो को पूरा आपने देख लिया तो आपके मन से सारी शंकाएं दूर हो जाएगी और अखंड ज्योति से संबंधित अब कोई प्रश्न बाकी नहीं रह जाएगा। चलिए बात करते हैं कि अगर अखंड ज्योति को साफ करते वक्त उसके दिए को ऊपर उठाते वक्त वो बुझ गया आपके हाथ से तो क्या होगा? सबसे पहले बात मैं आपको ये बता दूं कि भगवान हमें कभी भी इस तरह से श्राप नहीं देंगे। हमारे घर में जो हम पूजा पाठ करके अपने घर में सुख शांति समृद्धि लाए हैं वो उल्टा नहीं हो जाएगा। ठीक है, दिया बुझ गया, गलती हो गई, और उसके लिए आपको क्षमा याचना भी करनी होगी। दोस्तों नवरात्रि के 9 दिनों तक हम अपने घर में अखंड ज्योति जलाते हैं, माता की पूजा करते हैं, जगदम्बे माँ को याद करते हैं, और ये मानकर चलते हैं कि 9 दिनों तक जब तक ये अखंड ज्योति हमारे घर में जल रही है, माँ का वास हमारे घर में से 1 मिनट के लिए भी कहीं नहीं जाएगा। हमारी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे कंसल्टेंसी लेने के लिए जो आई है उन्होंने मुझसे ये कहा कि वो दिए की बाती को किसी तीले से ऊपर कर रही थी और ऊपर करने के दौरान उनसे वो दिया बुझ गया, अब क्या करें? इसीलिए आज मैं ये वीडियो बनाई हूँ आप लोग के लिए। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप दिए में तेल डालते वक्त या बाती ऊपर करते वक्त कोयला उसका साफ करते वक्त आपसे दिया बुझ गया तो आपको क्या करना है? अगर बुझ जाए तो क्या करना है? सबसे पहली बात, अखंड ज्योति को अकेला कभी ना जलाएं। अखंड ज्योति के साथ आप एक छोटा सा दीपक जरूर जलाएं, उसी चीज से जिससे आप अखंड ज्योति जला रहे हो। अगर आपने घी से जलाया है तो आपको वो छोटा दीपक घी से ही जलाना है, तेल से जलाया हो तो तेल से, तिल के तेल से जलाया हो तो तिल के तेल से। आपको एक प्रतिनिधि दिया जलाना है, इसी दिए क्या प्रतिनिधि रूप में छोटा दिया आपने जला लिया, उसे अक्षत पुष्प से प्रणाम कर लिया, रोली से प्रणाम कर लिया, टीका लगा लिया, और हाथ जोड़कर इस छोटे से नन्हे दीपक को कहना है कि आप हमारे अखंड ज्योति के प्रतिनिधि स्वरूप है, मैंने आपको प्रतिनिधि के रूप में खड़ा किया। अगर किसी कारण से अखंड ज्योति का दिया हमें साफ करने में या किसी भी चीज में बुझ जाए या कोई गलती हो जाए तो आप रहेंगे, आप साक्षी हैं, मतलब आप इसके प्रतिनिधि हैं, आपको ये जरूर करना है। उसके बाद आप अखंड ज्योति को साफ करें, तेल दे दें, फिर जब आप नित्य ये काम करें, जब भी करें, फिर शाम को करें या कल करें, फिर आपको एक छोटा सा दीपक जला लेना है। अगर ऐसा होता है कि दिया आपसे बुझ जाता है तो कोई बात नहीं, ये दिया जलता रहेगा जो इसका प्रतिनिधि कर रहा है, अग्नि हमारी बुझेगी नहीं, बस ट्रांसफर हो जाएगी। फिर आपने साफ कर लिया, अगर बुझ भी गई तो कोई बात नहीं, ये दिया आपको जल रही है, फिर से पुनः आपको इस दिए को प्रज्वलित कर देना है, दिमाग से ये सब हटा देना है, माँ नाराज हो गई होगी। अब हमारे घर में अगर कोई गलती से छोटी सी कुछ अप्रिय घटना हो जाती है, कोई बच्चा गिर जाता है, चोट लग जाती है, या खाना जल जाता है, या पति पत्नी में झगड़े होने लगते हैं, तो दिमाग में इस बात को ना रखें कि हमसे दिया बुझ गया था और दिया बुझने के बदले हमसे हमारे घर में ये सब होने लगा। बिल्कुल नहीं, माता रानी के पास इतना भी बेकार समय नहीं होता कि वो हमारे घर में पति पत्नी में झगड़े करवाने लगे या हमारे बच्चे को छोटा मोटा हाथ पैर में चोट देने लगे। वो तो दयालु होती है, वो तो माँ होती है, हमसे अगर कोई बड़ी चूक भी हो जाए ना तो वो हमें क्षमा करने के लिए होती है, छोटी छोटी बातों पर सजा देने के लिए नहीं। अब अगर दिया बुझ जाए तो हमारा नियम क्या कहता है? प्रतिनिधि दिया जलाया आपने, अगर आपसे अखंड ज्योति का दिया बुझ जाता है तो आपको माँ के 108 नाम का एक माला जप करना है, 108 बार जप करना है और क्षमा मांगनी है। ये क्षमा योग्य गलती होती है, अब दिया बुझ गया कोई बात नहीं, गलती तो हुई, गलती नहीं हुई ऐसी बात नहीं है,
लेकिन ये क्षमा योग की गलती है, आपने हाथ जोड़ना है, माँ से कहना है कि दिए को ऊपर करते वक्त, काले साफ करते वक्त ये दिया मुझसे बुझ गया, मैं बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ, कृपया प्रसन्न रहिए, हमारे परिवार का ख्याल रखिए, और आपको माता के 108 नामों का जब एक माला यानी 108 बार फेर लेनी है, माथा टेक के प्रणाम कर लेना है, मन से सारी शंकाओं को मिटा देना है और पुनः अपने पूजा को आगे बढ़ानी है। मन में कोई दुविधा ना रखे, कोई बात ना रखे। और दिए से संबंधित और मैं कई वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि दिया मामूली चीज नहीं है। जिस घर में हर दिन दिया जलता है, जिस द्वार पर हर दिन दिया जलता है, तुलसी की पिंड पर जो दिया जलता है, वो हमारे घर की कई चीजों से संबंध रखती है, हमारी तकदीर को बदल सकती है। इसलिए दोस्तों, अगर आप अखंड ज्योति जलाते हैं तो अखंड ज्योति के सारे नियमों का बखूबी पालन करें, कोई भी गलती ना करें, और कोशिश करें कि दिया आपसे ना बुझे। फिर भी बुझ जाए तो मैंने उपाय बताया है, और मन में कोई दुविधा ना रखें। आशा करती हूँ मेरी बात समझ में आई होगी। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं कोशिश करूंगी उसका जवाब देने के लिए। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जितने बड़े बुजुर्ग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, चरण छूकर कोटि-कोटि प्रणाम करती हूँ। सारे छोटे बच्चों को बहुत आशीर्वाद, बहुत प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद।